शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद का पहला सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ यह बैठक लगभग 3.5 घंटे चली। इस बैठक में 13 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 एनडीए शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में किए जा रहे अच्छे कार्य और केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में प्रेजेंटेशन दी। बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया, साथ ही केंद्रीय योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्रियों की सराहना की और उनका मनोबल बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और किसी भी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में प्रस्तुत प्रेजेंटेशन यह बताया गया कि अयोध्या, काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में योजनाएं बनाकर प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की मरम्मत कर उन्हें फिर से स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। बैठक में त्रिपुरा सरकार के गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम की सराहना की गई। इसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाने पर जोर दिया गया। असम सरकार की सरकारी रोजगार देने की योजना की भी प्रशंसा की गई और बताया गया कि किस तरह असम ने योजनाबद्ध तरीके से पिछले वर्षों में 1,00,000 नौकरियां प्रदान की है। बैठक में बिहार सरकार द्वारा अवैध माइनिंग पर नियंत्रण की सफलता की सराहना की गई और इसे अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यूपी सरकार की तरफ से सीएम योगी ने 2 योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दी। पहला ग्राम शौचालय का डिजिटलाइजेशन और दूसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर राज्य के विकास का मिशन। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम की सफलता और इसे आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यह योजना लोगों के बीच पहुंचने और धरती माता की सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। बैठक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल और NIC के पर्यटन को सभी राज्यों में लागू करने पर भी बल दिया गया।